साथियों आप सबको सादर नमस्कार। आज हम आपसे गणित में परसेंटेज टॉपिक के कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अभी हम टॉपिक औपचारिक रूप से शुरू नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको इसके पहले के वीडियो में कि सिलेबस शुरू करने से पहले हमारा प्रयास है कि अलग अलग टॉपिक के कुछ पूछे गए प्रश्नों को लेकर सॉल्व करा करके आपको यह आश्वस्त कर दें कि पूरी की पूरी गणित बहुत आसान है, गणित के प्रश्नों को बहुत कम समय में बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। इसके लिए हमने अलग अलग टॉपिक के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को लेकर सॉल्व कराने का निर्णय लिया है। उसी क्रम में आज परसेंटेज टॉपिक के कुछ प्रश्नों को जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन पर हम आपसे बात करेंगे। तो आइए मैथ पर पढ़ने से पहले साथियों एक छोटा सा हमारा प्रयास जारी है आपके साथ सभी वीडियो में लगभग कि एक दो मिनट की छोटी सी कहानी पर प्रेरक प्रसंग पर आपसे बात करते हैं, इसलिए जिससे कि आपकी पर्सनालिटी में लगातार एक पॉजिटिव चेंज आ सके। इसी क्रम में आज साथियों हम एक बिंदु पर आपसे बात करना चाहते हैं। इधर हमने हाल के दिनों में देखा हमारी युवा पीढ़ी, हमारे युवा मित्र बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, भावावेश में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर अकारण गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में कई बार बड़ी गलतियां कर जाते हैं जिसकी कीमत उनको जीवन भर भुगतनी पड़ती है। और नुकसान क्या होता है गुस्से का, इसी पर एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करते हैं साथियों। एक बार एक किसान था और उसकी पत्नी और किसान का एक छोटा सा बच्चा, कुल 3 सदस्यों का छोटा सा परिवार, बहुत सुखी था। किसान ने एक नेवला पाल रखा था, नेवला बड़ा प्रिय था किसान को और उसकी पत्नी को भी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह से उन्हें नेवला भी प्रिय था। किसान एक दिन खेतों में काम पर चला गया, किसान की पत्नी घर में बच्चे के साथ मौजूद थी, बच्चा खेल रहा था बिस्तर पर। इसी बीच किसान की पत्नी कुएं से पानी लेने के लिए गई, बच्चे को उसने खेलता हुआ घर में बिस्तर पर छोड़ दिया, नेवला वहां पर मौजूद था। किसान की पत्नी घड़े में पानी भरने के लिए कुएं पर चली गई, उधर किसान की पत्नी कुएं पर पानी भरने गई, इधर एक सांप आ गया उस बच्चे के बिस्तर के बिल्कुल समीप। जैसे ही सांप बच्चे की तरफ बढ़ा डसने के लिए, नेवला सांप पर टूट पड़ा। नेवले और सांप की एक जोरदार लड़ाई हुई, नेवले ने सांप को मार गिराया, नेवले ने सांप को काट डाला, मार दिया। इस लड़ाई में नेवले ने सांप को मार तो दिया लेकिन नेवले के मुंह पे बहुत खून लग गया। फिर भी नेवला खुश था, संतुष्ट था कि हमने अपने मालिक के बच्चे की जान बचा ली। और नेवला घर के बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ा और इसी बीच कुएं से पानी का घड़ा भर के किसान की पत्नी वापस आई। किसान की पत्नी ने घर के दरवाजे पर नेवले को देखा, नेवले के मुंह में खून लगा था। किसान की पत्नी को लगा कि नेवले ने उसके बच्चे को काट लिया है, इसी वजह से उसके मुंह पर खून लगा है। किसान की पत्नी को बहुत जोर से गुस्सा आया, उसने पानी से भरे घड़े को नेवले के ऊपर उठा के पटक दिया, नेवला मर गया। इसके बाद बदहवास किसान की पत्नी घर में अंदर की तरफ भागी, आई अपने बच्चे को देखने के लिए कि क्या स्थिति है। उसकी नज़र अपने बच्चे पर पड़ी तो बच्चा बिस्तर पर पड़ा हंस रहा था, खेल रहा था। किसान का बच्चा तो बच गया लेकिन उसकी पत्नी को बहुत आत्मग्लानी हुई, बहुत अफसोस हुआ, बड़ा प्रायश्चित हुआ इस बात को लेकर, प्रायश्चित हुआ कि जिस नेवले ने उसके बच्चे की जान बचाई, उस नेवले की जान खुद उसने ले लिया। इस बात को लेकर वह अत्यंत दुखी हुई।
कि भावावेश में आकर, क्रोध में आकर उसने कितना बड़ा अनिष्ट कर दिया कि स्वयं उस नेवले की जान ले लिया जिसने उसके बच्चे की जान बचाई अपने जान की बाजी लगाकर। साथियों, इसी तरह से जब हम क्रोध में होते हैं, भावावेश में होते हैं, आवेश में होते हैं, उस वक्त विवेक शून्य हो जाते हैं। क्रोध की स्थिति में कोई भी व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, उसका दिमाग सही से काम नहीं करता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके इस दुर्गुण पर नियंत्रण पा लीजिए। क्रोध का असर जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उसके ऊपर बहुत प्रतिकूल पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, मानसिक स्थिति पर पड़ता है, और उस क्रोध के भावावेश में आकर, क्रोध के वशीभूत होकर जो गलतियां हम लोग करते हैं उसमें फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचता। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि कोशिश करिए कि क्रोध ना आए, क्रोध पर नियंत्रण करें। हाँ, क्रोध आता है, मानव स्वभाव है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक छोटी सी सलाह है कि जब भी क्रोध आए उसके नुकसान से बचने का तरीका है कि जिस बात को लेकर क्रोध आए, जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध है, कुछ समय के लिए प्रतिक्रिया मत व्यक्त कीजिए। क्रोध की स्थिति में कोई एक्शन मत लीजिए, अपनी प्रतिक्रिया को थोड़े समय के लिए टाल दीजिए। जब अपनी प्रतिक्रिया को आप टाल देंगे, बाद में जब आपका क्रोध शांत हो जाएगा तब आप सोचेंगे तो उस प्रकरण पर सही निर्णय लेने की स्थिति होंगे। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि क्रोध पर नियंत्रण कीजिए, अपनी इस कमजोरी पर काबू पाइए, आपके हित में होगा। आइए, इसी के साथ हम अपने सिलेबस पर बढ़ते हैं। परसेंटेज टॉपिक का एक क्वेश्चन लिया हमने जो एग्ज़ाम में पूछा है, CPO ASI में 2016। इस तरह के प्रश्न लगातार सारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जिस मेथड पर हम आपसे बात करने चल रहे हैं, परसेंटेज के जिस क्वेश्चन पर, जिस वैरायटी पर, यह प्रश्न जो है सिपाही, दरोगा, SSC, बैंकिंग, रेलवे से लेकर PCS और IAS की परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है। परीक्षा कोई भी हो, प्रतियोगी, आप अनसॉल्व पेपर लेके देख लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए, इस पर क्वेश्चन अवश्य आपको मिलेगा। तो आइए एक प्रश्न लेते हैं साथियों। पहले इसको डिस्क्रिप्टिव से बताते हैं कि कैसे विस्तार पूर्वक सॉल्व करेंगे, फिर इसी प्रश्न को हम आपको शॉर्टकट ट्रिक से करवा देंगे कि कैसे एक स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले डिस्क्रिप्टिव्स करते हैं। क्वेश्चन देखें, यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है, यह क्वेश्चन है। इसी प्रश्न को आइए इंग्लिश में देख लें, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। इफ ए अर्न्स 25% मोर देन बी, देन व्हाट परसेंटेज बी अर्न्स लेस देन ए। देखें कैसे करेंगे इसको। हमने मान लिया कि बी की इनकम 100 रुपये है, 100। चूंकि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 100 + 25। ए की इनकम 100 + 25 = 125। फिर क्या करा, बी की आय में ए से प्रतिशत कमी, मीन्स बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम होगी, ये जानने के लिए क्या करेंगे, कमी को 100 से गुणा करेंगे और भाग किससे देंगे, जिससे कमी की बात की जा रही, ए से, ए की इनकम से भाग दे देंगे। कमी कैसे आएगी, ए की इनकम से बी की इनकम को घटा दिया, ए की इनकम 125 माइनस बी की 100 / 125, घटाया 25 आया, 25 × 100 / 125, काटेंगे तो 20 आएगा, 20%। अब इसको थोड़ा ट्रिक के नज़रिए से देखें साथियों, तो 25 × 100, नीचे 125 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 25, इसी से ट्रिक बनती हमारी। सेकंड मेथड जो है इसी से निकल आता है, शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं सेकंड मेथड में, प्रतिशत कमी बराबर 100 × % वृद्धि बटे 100 + % वृद्धि। इट मीन्स जितना परसेंट बढ़ा 100 में गुणा कर दीजिए, नीचे 100 में जोड़ दीजिए।
तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 25 बटे 100 प्लस 25। सरल किया इसको, 20% आंसर आएगा। तो अब इस तरह के 20 प्रश्न आगे मिलेंगे जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, हम आपको सॉल्व करवाएंगे। डिस्क्रिप्टिव से आप कर सकते हैं। ऐसे सभी प्रश्नों का जो शॉर्टकट तरीका हमने बताया, बहुत सिंपल सा है, फिर से सुन लीजिए कि ऐसे प्रश्नों में सिर्फ इतना करना है कि जितना परसेंट बढ़े उसको ऊपर 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, और नीचे 100 में प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए। सरल कर लें, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं और जो प्रश्न इसी मेथड पर आपसे पूछे गए हैं। अब साथियों इस पर देखिए, पहला प्रश्न जो है इस टाइप का, टाइप वन हमने आपको बताया, पहला ही क्वेश्चन है, आईएएस प्री के एग्जाम में पूछा गया, लेटेस्ट पूछा है 2019 में। क्वेश्चन है, ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है, यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया। यही क्वेश्चन नीचे इंग्लिश में भी आपको दिया है कि ए एंड बी, इफ देयर आर टू हैवी ब्लॉक्स ऑफ स्टील, द वेट इंक्रीजेस बाय 60% इफ दिस व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए एंड बी, हाउ मच वेट विल बी रिड्यूस्ड कंपेयर टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। आपको ये बताया गया है, शॉर्ट में देखना है कि जो निष्कर्ष इस प्रश्न का है कि ए और बी का ज्वाइंट वेट जो है वह ज्यादा है, कितना, 60% किससे, दूसरे वाले से, इस तो पूछा है कितना परसेंट कम होगा। बहुत सिंपल सा है साथियों, इसको क्या करेंगे, प्रतिशत कमी बराबर, हमने आपको बताया था भी कि परसेंट कमी के लिए क्या करेंगे, ऊपर 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 100 में प्लस कर देंगे। इट मीन्स परसेंट कमी इज इक्वल टू 100 × 60 अपॉन 100 + 60। इससे आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव तरीका हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके सामने जो आईएएस प्री एग्जाम में पूछा गया है 2019 में, इसका उत्तर एक स्टेप में सिंपली दे सकते हैं कि 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 60 को प्लस कर दीजिए, किस में, 100। एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट आप कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, 2 नंबर, बिजली की कीमत 25% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हुई है, यदि कोई व्यक्ति खर्च उतना ही रखना चाहता है तो बिजली के खपत में, इस्तेमाल में उसे कितने परसेंट की कमी करनी होगी, ये प्रश्न पूछा गया। आपको अभी बताया कि ऐसे प्रश्नों में सिंपल सा क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे प्लस कर दीजिए, बस एक स्टेप में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लीजिए, द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज इंक्रीज्ड बाय 25% इफ ए पर्सन
wants to keep the same amount of expenditure, then he will have to decrease the percentage of use of electricity. It means अगर electricity का rate बढ़ रहा है तो अपना वह खपत कितना घटा दे, consumption कितना कम कर दे, जिससे कि खर्च ना बदले। तो simple सा है, क्या करेंगे इसमें, प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में किसको जो दिया है 25%, और नीचे प्लस कर देंगे 100 में। एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करेंगे इसको तो इस तरह से हो जाएगा 100 × 25/125। सरल करेंगे तो 25 × 5 = 125, 5 × 100, इट मीन्स 20% आंसर आएगा। इसका ऑप्शन जो है वह डी सही होगा। इस तरह से एक स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो दिया है, यदि ए का वेतन, ध्यान दें साथियों, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम होगा। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा है 2016 में। क्या दिया, 30% अधिक है। आंसर इसका, परसेंट कमी बराबर हो जाएगा 100 × 30/100+30। एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीएल प्री 2016 में आया है, चावल की कीमत 60% बढ़ गई, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना होगा। ये चीज़ आपको परसेंट बताना है। आइए देख लें इंग्लिश में भी, द प्राइस ऑफ राइस हैज गॉन अप बाई 60%, हाउ मच शुड द न्यू प्राइस बी रिड्यूस टू ब्रिंग राइस बैक टू इट्स ओरिजिनल प्राइस, मूल कीमत पर लाने के लिए कितना परसेंट घटाना होगा। तो सिंपल सा आंसर साथियों इसका क्या होगा, प्रतिशत कमी बराबर कितना, 60 है ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 60/100+60। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 नंबर आपको बताया जा चुका है डिस्क्रिप्टिव में भी और ट्रिक से भी पहले ही। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन की आय से कितना परसेंट कम है। इफ मोहन इनकम इज 150% मोर देन महेश, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ महेश इनकम इज लेस देन मोहन्स इनकम। कैसे आएगा, परसेंट कमी बराबर हो जाएगा, ऊपर 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 150 को, और नीचे 100 में 150 को प्लस कर देंगे। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूछा है एसएससी सीपीएसआई में 2015 में। कैसे करेंगे देखें, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई जाती है, त्रिभुज का मूल क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए उसका तदनुरूपी आधार कितना प्रतिशत कम करना होगा।
आपको दिया है द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाई 10% टू मेंटेन द ओरिजिनल एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाई व्हाट परसेंटेज विल इट्स बेस बी रिड्यूस्ड। हाइट को 10% इंक्रीज किया जा रहा है तो बेस को कितना परसेंट रिड्यूस करना होगा यह आपसे पूछा है। CPSI का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है इसका आंसर कि इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 में और नीचे 100 में प्लस कर दीजिए, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा 100 × 10/100 + 10। आइए इसको सॉल्व करवा देते हैं, ये हो जाएगा 1000/110। जीरो कैंसिल होगा, 100/11 काटेंगे इसको तो आएगा कितना, 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%, इट मीन्स ऑप्शन सी सही होगा इसका। इस तरह से ये भी आपका बहुत कम समय में आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी। इफ इंग्लिश में देख लें साथियों, इफ राम्स इनकम इज 20% मोर देन श्याम्स इनकम देन व्हाट परसेंटेज ऑफ श्याम्स इनकम इज लेस देन राम्स। राम की इनकम कितना परसेंट कम होगी, बहुत सिंपल सा है, परसेंट कमी बराबर हो जाएगा कितना, 100 × कितना परसेंट अधिक है इसमें, 20, 100 × 20/100 + 20। सरल करेंगे इसको, 100 × 20 ऐसे रहने दें, नीचे क्या लिख सकते हैं, 120 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/6 और सरल करेंगे तो हो जाएगा साथियों 50, 2 से डिवाइड कर दें तो 3 और सरल कर दें तो ये आ गया 16 सही 2/3%, ये आंसर आएगा। तो हमने समझाने के लिए आपको दो स्टेप बढ़ा दिया, आप एक स्टेप में कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं, इट मीन्स ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ए की मासिक आय बी की आय से 40% अधिक है तो ज्ञात कीजिए कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। ये क्वेश्चन UPPCS प्री में आया है 29/3/2015 को, हमने आपसे पहले बताया था साथियों, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है इस टॉपिक, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते हैं सारी परीक्षाओं। तो आइए देखें, ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी है आपका, इफ एज मंथली इनकम इज 40% मोर देन बेस फाइंड हाउ मेनी परसेंट बेस इनकम इज लेस देन एज इनकम। तो सिंपल सा आंसर है, एक स्टेप में आपका आ जाएगा कि ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो दिया है किसमें, 100 में, इट मींस 100 × 40/100 + 40, एक स्टेप में आपका आंसर निकल आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन है SSC ग्रेजुएट लेवल में पूछा है 2011, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यदि कोई व्यक्ति अपनी चीनी के खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहता है तो उसे चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। ये क्वेश्चन नीचे इंग्लिश में दिया है साथियों, द प्राइस ऑफ सुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 20% अकॉर्डिंगली इफ ए पर्सन वांट्स टू रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ सुगर
द कीप हिज एक्सपेंसेस एज बिफोर देन ही हैज़ टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ शुगर, मीन्स शुगर का कंजम्पशन कितना परसेंट कम कर दे हो जिससे उसका एक्सपेंस चेंज ना हो, पहले जैसा ही मेंटेन रहे। तो क्या करना होगा इसके लिए, आपसे पहले बताया था, एक लाइन में आप कर लेंगे। डिस्क्रिप्टिव करना चाहें तो हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में दो मेथड से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कराया। हर प्रश्न में हम दो मेथड से नहीं चलेंगे, ट्रिक से बताएंगे। डिस्क्रिप्टिव पहले आपको बताया जा चुका शुरुआत में। तो कितना हो जाएगा इसमें, परसेंट कमी बराबर 100 इंटू 20 अपॉन 100 प्लस 20। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको काटेंगे साथियों तो आंसर आएगा ये 16 से ही 2/3%। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये ऑप्शन बी सही होगा इसका। आप काटेंगे इसको, 120 आएगा, 20 चक्का 120, 100/6, 50/3 कट के ये आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे में क्वेश्चन आया है, आरआरबी एसएमए 2004 में आया है, फिर यही क्वेश्चन 2003 में आया है, फिर 2006 में आया है। आपने देखा है क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया, आईएएस प्री 2019 में पूछा गया, अब आपके सामने रेलवे में। हमने पहले बताया था शुरुआत में कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग सभी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे, दिया है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। सिंपल सा आंसर इसका, प्रतिशत कमी बराबर क्या करेंगे, 100 इंटू 20 है, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, 100 प्लस 20। इस तरह से एक स्टेप में आपका आ जाएगा। आगे कैलकुलेट करेंगे इसको, काटेंगे तो 16 से ही 2/3%। अगला क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 2012 में आया है, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल के खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे जिससे कि उसका मासिक व्यय ना बढ़े ना बदले। यह क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया है साथियों। इफ द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीजेस बाय 25% देन बाय द व्हाट परसेंटेज शुड ये हाउस होल्ड डिक्रीज इट्स कंजम्पशन सो दैट इट्स मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। अब इसमें देखें साथियों, इस तरह के प्रश्नों की पूरी एक लंबी श्रृंखला हो रही है। कुछ एक प्रश्न और आपको बता देते हैं, बाकी आप अपने सॉल्व करिएगा। फिर से देख लें कि 25% रेट बढ़ रहा है तो कितना परसेंट कम करना होगा। सिंपल सा है कि ऊपर गुणा कीजिए नीचे जोड़ दीजिए, किसमें 100, तो 100 गुणे 25 बटे 100 प्लस 25। काटेंगे इसको तो आएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये 2011 में। किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है तो उसके उपभोक्ता उसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी कर दे जिससे खर्च ना बदले। तो ये भी प्रश्न ऐसे आ जाएगा जो आपको बताया गया। आइए सॉल्व करवा देते हैं। किस स्टेप में, प्रतिशत कमी बराबर 100 इंटू 60 अपॉन 100 प्लस 60 कैलकुलेट कर लेंगे साथियों, एक स्टेप में इसका आंसर आपको आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, ये चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो गृहस्थ को चीनी के खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी जिससे कि खर्च ना बदले। साथियों, इस तरह के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो इनको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, आप कर लेंगे। सेम वैसे प्रश्न है, 100 में मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे 100 में प्लस कर दीजिए, ये पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, 16 नंबर है, चीनी का मूल्य 60% बढ़ जाए। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन 3-4 बार ये कि मूल्य 60% बढ़ जाए तो आदमी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे। सेम क्वेश्चन आपने किया है, फिलहाल एक स्टेप में सॉल्व करा देते हैं इसको। प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे इसको 100 में प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज की कीमत 50% बढ़ गई तो खपत कितना घटा दें खर्च ना बदले, सीजीएल मेंस में पूछा है। बहुत सिंपल सा है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 में, एक स्टेप में ये कर लिया जाए इसको, नीचे प्लस कर देंगे। 100 इंटू 50 अपॉन 100 प्लस 50, गुणा भाग कर लेंगे इसे आप, अगला क्वेश्चन है, MPPCS में आया है, शक्कर की कीमत 10% बढ़ती है तो खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि खर्च ना बदले। ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 10% देन हाउ मच कंजम्पशन विल हैव टू बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम एज बिफोर। MPPCS का क्वेश्चन है, 2000 पूछा गया है, सिंपल सा मेथड है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, इस तरह से एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, रेलवे में कई बार पूछा गया, 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। अब इन प्रश्नों को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि एक लंबी श्रृंखला ऐसे प्रश्नों के आपके सामने है कि कितनी बार ये पूछे गए प्रश्न, हमने आपको दर्जनों प्रश्न कराए और शुरुआत में बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आप एक स्टेप में आंसर दे सकते हैं इसको बताया, और डिस्क्रिप्टिव हमने पहले ही इसको स्पष्ट कर दिया कि विस्तार से कैसे कर सकते हैं, तो छोड़ रहे हैं आपके लिए, इसको कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन नंबर 20 है, सेम ऐसे है, ये रेलवे गोरखपुर में पूछा गया है, इसे भी आप लोग कर लीजिएगा, सेम प्रश्न है जो आपको बताया गया मेथड। अब साथियों टाइप टू पर आते हैं हम, टाइप टू पर एक क्वेश्चन हम आपको विस्तार से बता देते हैं। इस पर है साथियों एक क्वेश्चन, आइए डिस्क्रिप्टिव से देखते हैं टाइप टू पर, फिर इसको ट्रिक से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि यक्स का मान वाई के मान से 25% कम है तो वाई का मान यक्स के मान से कितना परसेंट अधिक होगा, यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन इंग्लिश में है, इफ द वैल्यू ऑफ यक्स इज 25% लेस देन द वैल्यू ऑफ वाई देन द वैल्यू ऑफ y is greater than the value of x, कितना परसेंट अधिक होगा आपको ये बताना है। कैसे करेंगे साथियों इसको, आइए देखते हैं। फर्स्ट मेथड डिस्क्रिप्टिव आपको बता दें, फिर इसी क्वेश्चन को ट्रिक से एक स्टेप में कर लेंगे। यदि डिस्क्रिप्टिव में भी स्टेप हमने थोड़ा कम कर दिया है, मान लिया y का मान 100 है, हमने मान लिया कि y की वैल्यू 100 है, x की वैल्यू y की वैल्यू से 25% लेस है, कम है, तो देन x की वैल्यू कितनी होगी, 75। फिर इसलिए y के मान में x से प्रतिशत अधिकता, कि y x के से कितना परसेंट ज़्यादा होगा, ये कैसे जानेंगे,
अधिकता जो दिया है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और भाग किससे देंगे, भाग देंगे यक्स की वैल्यू से, चूंकि यक्स से अधिकता की बात की जा रही, जिससे अधिकता की बात की जाए उसी से भाग दिया जाएगा। तो आइए देखें अधिकता होगी कैसे, क्लियर होगा कितना अधिकता होगी, 100 से 75 घटा दिया, किससे, जो y की वैल्यू है इससे x की वैल्यू को घटा दिया, y की वैल्यू हमने माना था 100, x की वैल्यू थी 75, घटा दिया, भाग किससे देंगे 75 से, क्यों, क्योंकि 75 x की वैल्यू है, x से वृद्धि की बात आपसे पूछी गई कि x से कितना ज़्यादा होगा, सरल 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 इंटू 100 अपॉन 75, सरल किया 33, आपका कितना आया 33 सही है, 3%। अब इसी को साथियों शब्दों में अगर आप लिखें तो कितना होगा 100 इंटू 25, और नीचे आप ध्यान दीजिए तो 100 माइनस 25 है, 75 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 25। अब इसी को शब्दों में लिख लिया जाए तो हमारा सेकंड मेथड तैयार हो जाएगा, ट्रिक बन जाएगी। तो जो ट्रिक बन रही है, जो हमारा सेकंड मेथड है, वो क्या बना, परसेंट वृद्धि बराबर 100 गुणे परसेंट कमी बटे 100 माइनस परसेंट कमी, इट मीन्स जितना परसेंट घटे ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे घटा दीजिए, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा 100 इंटू 25 अपॉन 100 माइनस 25, सरल किया हमने तो आंसर आया 33 सही, 1/3%। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। अब आइए साथियों, जो ट्रिक हमने बताया इस पर टाइप टू के जो प्रश्न पूछे गए हैं कैसे आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 10%, बाय व्हाट परसेंटेज वुड इट हैव टू इंक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू द ओल्ड प्राइस, पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो डिस्क्रिप्टिव तो हम आपको बता चुके हैं पहले, तो बार बार डिस्क्रिप्टिव पर बात नहीं की जाएगी, जो सेकंड मेथड दिया शॉर्टकट उससे करेंगे। तो कितना होगा, परसेंट वृद्धि बराबर हो जाएगा 10% उसको गुणा कर दीजिए, कितना कम है 10, 100 इंटू 10 अपॉन 100 माइनस 10, सरल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा कितना 1000 अपॉन 90, एक जीरो कटेगा तो 100/9 आएगा, काटेंगे तो ये आ जाएगा साथियों 11 सही 1/9%, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं एक स्टेप में। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम किया गया, उसे उसके पुराने वेतन पर लाने के लिए उसके वर्तमान वेतन में कितना परसेंट की वृद्धि करनी होगी, कितना बढ़ाना होगा। ये क्वेश्चन आई इंग्लिश में देख लिया जाए, ए पर्सन सैलरी वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन हिज करंट सैलरी टू ब्रिंग हिम टू हिज ओल्ड सैलरी, कैसे करेंगे देखें, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन 2010 में। परसेंट वृद्धि यह बराबर हो जाएगा, कितना दिया है 20% कम किया गया, देन 100 इंटू 20 अपॉन 100 माइनस 20, सरल करेंगे
तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 20 अपॉन 80 काटेंगे तो आया कितना, 25%, 25% आंसर इसका आएगा। फिर से समझ लें क्या करना है, इससे प्रश्नों में वृद्धि निकालना है, तो जितना कमी है 100 में गुणा कीजिए, नीचे 100 में घटा दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपको हम बता चुके हैं डिस्क्रिप्टिव और ट्रिक से पहले ही, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है यदि आय राजस्व वही बना रहे तो इस वस्तु का उपभोग कितना परसेंट बढ़ा। इंग्लिश में ही क्वेश्चन देख लें, द टैक्स ऑन एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10% इफ द इनकम रेवेन्यू रिमेन्स द सेम देन व्हाट परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ दिस आइटम इंक्रीज्ड। कितना करना होगा, क्वेश्चन ध्यान दें, पटना गुड्स गार्ड में पूछा है 2002 में, सिंपल सा है साथियों। कितना परसेंट वृद्धि करना होगा ये जानने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 100 में गुणा नीचे 100 में जोड़। परसेंट वृद्धि बराबर हो जाएगा 100 इंटू 10। वृद्धि निकालना साथियों, तो इसमें ध्यान रखना है 100 में गुणा करेंगे, नीचे 100 में माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तब जब आपको वृद्धि निकालना हो। तो 100 गुणे 10 बटे 100 माइनस 10 काट लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 1000 बटे 90 आया, और काटेंगे तो 11 सही 1/9%, ये उत्तर आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन ए सही होगा इसका। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमन की तनख्वाह 10% कम हो गई, उसकी तनख्वाह को वापस उसी मूल राशि पर लाने के लिए वर्तमान तनख्वाह को कितने प्रतिशत में उठाना होगा, यह आपको बताना है। कैसे करेंगे, देखें क्वेश्चन 2009 में पूछा है स्टेशन मास्टर के एग्जाम में, एएसएम में। यह क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिया है, देख लें इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं। रमन सैलरी वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, इन व्हाट परसेंटेज विल द करंट सैलरी हैव टू बी रेज टू ब्रिंग हिज सैलरी बैक टू द सेम प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हो जाएगा परसेंट वृद्धि बराबर 100 गुणे कितना होगा, 100 इंटू 10 अपॉन 100 माइनस 10। हमेशा ध्यान रखें वृद्धि निकालना है तो 100 में गुणा करेंगे, नीचे 100 में से घटा देंगे जो दिया है। सरल करेंगे साथियों, ये भी आंसर आएगा 11 सही 1/9%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोसेफ की आय को 10% कम किया गया, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। इंग्लिश में देख लें इसी क्वेश्चन को, जोसेफ्स इनकम हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 10% इफ हिज इनकम इज ब्रॉट टू इट्स फॉर्मर लेवल व्हिच परसेंटेज इंक्रीज इन इट विल बी। आइए देखें साथियों क्या करेंगे, इसमें वृद्धि पूछा गया है तो सिंपल सा है, हंड्रेड में मल्टीप्लाई नीचे हंड्रेड से माइनस कर देंगे आंसर। इसको भी कैलकुलेट करेंगे आप तो 11 सही 1/9% आएगा।
इस तरह से कर लेंगे आप इसे। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 400 मीटर, चौड़ाई 700 मीटर है, इसकी लंबाई को 50% घटा दिया जाए तो बताइए कि चौड़ाई को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए जिससे कि मैदान के क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। यहाँ साथियों लंबाई चौड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना दिया है, सिंपल सा है, जो फार्मूला आपको दिया उसी से आ जाएगा। प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा जितना परसेंट कम हो रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 100 में से माइनस कर दीजिए। हंड्रेड इंटू 50/50 काटेंगे तो आंसर आएगा 100%। इस तरह से ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक स्टेप में आप निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 40% घटा दिया जाए तो बताइए कि इसके आधार को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए जिससे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ना बदले। क्वेश्चन आईएएस एग्जाम में आया है 2003 और 2009। ये क्वेश्चन इंग्लिश में देख लें साथियों। इफ़ द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज रिड्यूस्ड बाय 40% देन टेल हाउ मच इट्स बेस शुड बी इंक्रीज सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डज नॉट चेंज। ट्रायंगल का एरिया चेंज ना हो इसके लिए इसके बेस को कितना परसेंट बढ़ाना होगा जबकि हाइट को 40% रिड्यूस किया जा रहा है, मीन्स कम किया जा रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा कितना, 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे 100 से माइनस कर दीजिए। सरल कर लेंगे इस तरह से आंसर आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद टाइप 3 पर आ जाते हैं साथियों। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वैरायटी पर भी कि ए का वेतन 50% घटा दिया जाता है और बाद में 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। क्वेश्चन आया है आपका सीजीएल प्री में। ऐसे प्रश्नों में आप ध्यान दीजिए, इसमें जब एक घटे एक बढ़े, घटने बढ़ने का परसेंट बराबर हो। फिर से ध्यान रखें, अगर एक घटे एक बढ़े और घटने बढ़ने का परसेंट बराबर हो तो ऑलवेज कमी होती है, हमेशा कमी होती है। और कमी का प्रतिशत जो आता है दोनों को गुणा करके 100 से भाग दे देते हैं। क्या चीज़, जितना घटे जितना बढ़े उसका गुणा करके 100 से भाग दे देते हैं, हमेशा कमी होती है। तो प्रतिशत कमी हो जाएगी यहाँ पर कितना, 50/50/100 आंसर आएगा कितना, 25%। फिर से ध्यान दें, एक घटे एक बढ़े और घटने बढ़ने का परसेंट बराबर हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दें से ऑलवेज कमी होगी। तो इसमें आंसर आएगा 25% की कमी होगी, इट मीन्स ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है जबकि पानी के खपत में 20% की कमी हो जाती है, करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो हमेशा याद रखें कि ऐसे में कमी होगी, कमी कितना आएगी, 20×20/100। ट्वेंटी इंटू 20/100 इज इक्वल टू
4%। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि जलकर में 10% की वृद्धि की जाती है तथा उसके उपयोग में 10% की कमी की जाती है तो व्यय में अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया है और ये शायद लिखने में कुछ मिस्टेक है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया है कि परीक्षा में ये क्वेश्चन। पुनः देख लें, जलकर में 10% की वृद्धि होती है और उपयोग में 10% की कमी होती है तो व्यय में क्या अंतर होगा। तो ऐसे में बताया साथियों कि ऑलवेज कमी होगी, कमी का परसेंट दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगी कितना, 10 × 10 अपॉन 100 1%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया और चौड़ाई में 10% नो लंबाई को 10% कम किया जाता है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो आयत के क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है 2004 में आया, ये क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दिया है। ऑलवेज कमी होगी ऐसे में साथियों और कमी का प्रतिशत जो होगा यह आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना बढ़ा और जितना घटा बटे 100। ऐसा तब करते हैं जबकि घटने और बढ़ने का परसेंट बराबर हो, अलग अलग हो तो उसके लिए अलग फार्मूला होगा, अलग ट्रिक होगी, आगे उस पर चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई फिर 20% की कमी हो गई तो मूल वेतन में क्या फर्क होगा, ये आपसे पूछा गया। ये पर्सन सैलरी वाज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 20%, देयर इज ए चेंज इन हिज सैलरी, यह आपको बताना है। तो ऐसे में ऑलवेज कमी होगी, कमी का परसेंट इसी ट्रिक से आ जाएगा कितना, 20 × 20 upon 100 = 4%, यह आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाए और फिर 10% बढ़ाया जाए तो उस संख्या में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। क्वेश्चन 2016 में आया है। व्हेन ये नंबर इंग्लिश मीडियम के साथ ही देख लें, व्हेन ये नंबर इज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय 10% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट परसेंटेज विल चेंज इन दैट नंबर। ऑलवेज कमी होगी और कमी का परसेंट आपको इसी से आ जाएगा कि जितना बढ़ा जितना घटा दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। टेन इंटू टेन अपॉन 100 = 1% की कमी होगी।